माला वो जेल से जीत जाते हैं। हाँ, राजा भैया घरे थे चाहे रहा चाहे जेल में रहा जीत जाए, इसलिए माफिया है। राजा भैया माफिया है? राजा भैया ने हम सब की बात इतने हैं, जेल में हैं, इनके नाम से वोट पड़ता है, इनके काम से वोट नहीं पड़ता। किसके नाम से वोट पड़ता है? सारे माफिया जितने हैं। अरे माफिया हैं? माफिया है। और अपने क्षेत्र में चुनाव जीत जाते हैं। रात में सारे दीवार नीली स्याही से रंग उठता था, हाथी चिन्ह बन जाता था, और मानवर साहब के सारे उद्देश्य जो है उस पर इंगित लिख दिए जाते। अभी लोग 1585 की बात करेंगे, आज जो 1585 की बात करते हैं वो मानवर साहब को न मानने वाले हैं न बाबा साहब को मानने वाले हैं। वो मानते दूसरे को हैं, लेकिन जब आपके सामने आएंगे, अरे यार 1585 से मायावती भटक गए। साथियों नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर। आज पुनः जो है हम जमीन स्तर पर उतर चुके हैं और मानवर कांशीराम साहब जी की जो है पुण्यतिथि आने वाली है 9 अक्टूबर को। हम बात करेंगे मानवर कांशीराम साहब के जीवन परिचय पर। हमारे साथ मौजूद हैं मुन्नीलाल जी, जो काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं मानवर कांशीराम साहब के बारे में। तो हम जानेंगे इनसे जो है उनके परिचय में। तो दादा जो है उनके परिचय में क्या बोलना चाहते हैं? उनके परिचय में वो हमारे समाज के एक पढ़े लिखे IAS स्तर के व्यक्ति थे, जिन्होंने इस समाज के उत्थान के लिए, विकास के लिए और इनके गुलामी को छुड़ाने के लिए उसने अपना सर्विस को त्याग दिए, इस्तीफा दे करके इस समाज के मतलब स्वतंत्र कराने में अपना पूरा योगदान दिए, पूरा जीवन इसी में लगा दिया और अपने परिवार से सारा नाता वास्ता ख़त्म करके केवल समाज को ही उन्होंने एक को माना है। जिस तरह से कहा जाता है और सुनने को मिला है, और ये बात भी हकीकत है कि मानवर कांशीराम साहब ऐसे व्यक्ति थे कि इस किनारे से जो है साइकिल चलाकर इस किनारे तक गए थे, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक गए थे, इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है, मानवर साहब इतने बड़े मेहनती थे कि वो रात में दिन में खाने पीने के चक्कर नहीं था उनका, कहीं भी सूखी रोटी मिल जाए रात में वहीं रुक जाते थे, झुग्गी झोपड़ी में जो मिलता था उसको खा लेते थे, यहाँ तक कि साइकिल से ही अपना कार्य करते थे। और जो कर्मचारी समाज के रहते थे उनसे वो मिलते थे, एक एक करके जोड़ते थे और एक नोट की बात करते थे, और उसी पैसे से वो इस मिशन को पहले उन्होंने बाम सेफ बनाया, बाम सेफ में उन्होंने कर्मचारियों को जोड़ा। तो कर्मचारी क्या सरकारी थे? सरकारी थे, प्राइवेट थे, जो भी थे सरकारी भी थे। तो उन्होंने एक बाम सेफ बनाया, बाम सेफ के जरिए उन्होंने कुछ पैसा इकट्ठा किया और जिस जो पैसा उन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाने में उन्होंने जैसे पंपलेट छपवाना है या कुछ लिखवाना है तो इसमें लगाए, और इस मिशन को बढ़ाने में जो साइकिल की बात कर रहे हैं, साइकिल से रात दिन कन्याकुमारी तक तो नहीं लेकिन दिल्ली तक, दिल्ली तक उन्होंने, क्योंकि हमारे भारत का केंद्र जो है दिल्ली है, दिल्ली तक उन्होंने अपने समर्थकों के साथ इकट्ठा किया और जो भी उन्होंने सोचा एक रात दो रात में काम को पूरा कर लिया। जो आज हम लोग पंपलेट होल्डिंग छपवा रहे हैं ऐसा नहीं, दो रात में पता चलता था, सवेरे सारे दीवार, रात में सारे दीवार नीली स्याही से रंग उठता था, हाथी चिन्ह बन जाता था, और मानवर साहब के सारे उद्देश्य जो है उस पर इंगित लिख दिए जाते थे, ये उनका कहने का मतलब हमारा भी ये है। जिस तरह से मानवर कांशीराम साहब एक एक रुपए का चंदा लेकर और फटी कोट पहनकर इस बहुजन समाज को निर्माण किए हैं, बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किए हैं, और आज बहुजन समाज पार्टी के नेता जो है सफ़ेद पैंट शर्ट पहन कर निकलते हैं, उसके बारे में क्या रहा है? वो मानवर कांशीराम साहब को जो है थोड़ा सा दरकिनार कर रहा है। ऐसा है कि जब किसी के पास
पैसा हो जाता है, तो वो जैसे पहले गरीब आदमी थे तो सूखी चटनी से खा लेते थे, अब जब पैसा हो जाता है तो चटनी चाहे, दाल चाहे, सब्जी चाहे, और कपड़ा अच्छा चाहे, तो आप पैसे वाले हो गए। पहले पैसे वाले नहीं थे। 1984 में जब बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ तो उसके पहले जब इन्होंने बामसेब बनाया था तब पैसे नहीं थे। अब पैसे वाले हो गए, इसलिए अपना पैंट शर्ट पहन करके टहल रहे हैं। दूसरी चीज़ है, मानवर साहब हमेशा पैंट पहनते थे। कुछ लोगों का ये भी विचार है कि मानवर साहब पैंट शर्ट पहनते थे, तो हम उसी का अनुकरण कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जिसके पास जो साधन सुलभ है उसके हिसाब से पहनता है। मानवर कांसीराम साहब जी जो है पूरा जीवन अपना लगा दिए बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करने में, और उनका एक फंडा था 15 और 85 का, 15 छोड़ो 85 जोड़ो, लेकिन कहीं ना कहीं आज बहुजन समाज पार्टी जो है उस पर नज़र नहीं दे रही है। ऐसा है कि जब उन्होंने 15-85 का नारा दिया था तो उन्होंने गणना की थी, और उस गणना में 85 वाले कितने हैं, 15 वाले कितने हैं, कि कौन किस विभाग में है, कितने कौन है, सारे आंकड़े उनके पास थे। तब उन्होंने 15-85 की बात की, लोगों के दिमाग में वो बात उभरी भी, जुटे भी, लेकिन जैसे हमको अगुआ बनाया गया प्रदेश का, हम भटक गए। मानवर साहब का था कि पहले ब्राह्मण ठाकुर बनिया छोड़, बाकी सब है डीएस फोर की बात। उसमें जो था, आप 85 में ब्राह्मण ठाकुर बनिया नहीं था, बहन जी जब सरकार बनाई, इन्होंने सोचा कि जब हमारा 15% का वोटर है वो कहाँ जाएगा, इसलिए उसको भी जोड़ना ज़रूरी है। तो इन्होंने उस बहुजन समाज को छोड़ करके सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय कर दिया। उसी को मुद्दे को 15 जोड़ने के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया, तो उसी में लोग कहते हैं भटक गए। अभी लोग 15-85 की बात करेंगे, आज जो 15-85 की बात करते हैं वो मानवर साहब को न मानने वाले हैं, न बाबा साहब को मानने वाले हैं। वो मानते दूसरे को हैं, लेकिन दबाव के सामने आएंगे, अरे यार रे 15-85 से मायावती भटक गए, बताते हैं केवल भड़काते हैं। अभी जो है बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती जो है, मनोहर कांसीराम साहब जी का पुण्यतिथि है, उस पर 9 अक्टूबर को जो है एक सम्मेलन कर रहे हैं, क्या आप वहाँ जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल जा रहे हैं। अच्छा, तो इस सम्मेलन को लेकर देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को क्या कहना चाहिए? अब उनका जो संदेश होगा वो अपना देंगे। वैसे ज़्यादातर उनका जो मानवर साहब का उद्देश्य था उसी उद्देश्य को बताएंगे, बताना भी चाहिए उनका क्या मिशन था, मिशन का क्या उद्देश्य था, हम उस पर कितना अमल कर रहे हैं। मतलब मानवर साहब के मिशन को बहन जी कितना अमल में ला रही हैं, उसी को पब्लिक के बीच में उनको बताना है। और हमारे जो कार्यकर्ता सीनियर है, चूँकि 22 का इलेक्शन है, उसमें वो अपने निष्ठावान कार्यकर्ता प्रत्याशी के चयन भी कर सकते हैं। अच्छा, मनवर कांसीराम साहब जो है एक आवाज़ भी दिए थे, एक उनका नारा भी था जो है मनी माफिया मीडिया, इसके बारे में क्या रहा है हम जानना चाहते हैं। मनी माफिया मीडिया, हाँ, इसमें था कि उस समय हमारे खिलाफ में ना तो मेरे पास बड़ी बड़ा धन नहीं है, हाँ, और मीडिया जो है, मीडिया जैसे आज मोदी की मीडिया है, आज भी जो है मीडिया बिकाऊ है, बिकाऊ है। आज भी देखिए चैनल पर देखिए, बराबर जो है पार्टी का विकास होता है, प्रचार होता है। अब जब कोई बोलने लगता है दूसरी पार्टी, कल मैं सुन रहा था बसपा का एक कार्यकर्ता बोल रहा था उसको, अरे आप ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो करके सीधा ले जा करके भाजपा की ओर धकेल देता था। और एक शब्द आपने कहा था क्या, मनी माफिया मीडिया, माफिया तो जहाँ जहाँ रही दे वो अपना काम कर लेता। जैसे आप जान लीजिए
हमारे अभी मुख्तार भाई को निकाल दिया गया इधर से, तो सपा में चले गए, तो कहने का मतलब वो जेल से जीत जाते हैं। हाँ, राजा भैया घरे से चाह रहा चाहे जेल में रहा जीत जाए, इसलिए माफिया हैं। राजा भैया माफिया हैं? राजा भैया नहीं, हम सब की बात जितने हैं जेल में हैं, इनके नाम से वोट पड़ता है, इनके काम से वोट नहीं पड़ता। किसके नाम से वोट पड़ता है? सारे माफिया जितने हैं। अरे कितने माफिया हैं? माफिया हैं, और अपने क्षेत्र में चुनाव जीत जाते हैं। अच्छा, बिना गए जेल में रहते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। जितने माफिया हैं वो उनके नाम से वोट पड़ता है और वो जमीनी स्तर पर नहीं उतरते हैं। कहाँ रहते हैं जो उतरे? जेल में रहते हैं, वो रहबे नहीं करते। अच्छा, और पार्टी का सहारा लेते हैं कि भाई फला पार्टी में है, पार्टी के सहारा से वोट लेते हैं। जिस तरह से अभी आप लोगों ने सुना मनवर कांसीराम साहब के विचारों को, जो उनके साथी थे, उनका क्या मकसद था क्या नहीं था, इसी के साथ चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर से जुड़िए।